अब मैं पढ़ाई के लिए बिजी हूँ, घर में लोग बोल रहे हैं कि जिम विम छोड़ दो, या फिर मुझे लग रहा है कि यार जिम जा रहा हूँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ये अगर आपका फैक्टर है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखें। आई एम द परफेक्ट पर्सन आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चंस, बिकॉज दो फैक्टर जो है मैं इस दो फैक्टर के साथ गया हूँ। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उन लोगों के लिए जो इस चैनल पे नया है। आई वॉज एन वन टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए मैं प्रिपेयर किया करता था। फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो उसके बाद मैंने उड़ीसा इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन कर लिया। नाउ करेंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। स्टेट में मेरा फोर्थ रैंक आया था, रैंक फोर्थ था। सो एवरीडे आई यूज्ड टू स्टडी 8 to 10 hours a day। उसके बाद अभी जॉब हो गया तो 9 to 5 जॉब चल ही रहा है। जितना दिन मैंने प्रिपरेशन किया, जॉब कर रहा हूँ, जो भी है, मैं जिम हमेशा किसी एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया। तो बात आता है कि आप कैसे मैनेज कैसे करोगे, डाइट वाला पार्ट कैसे मैनेज करोगे, वर्कआउट वाला पार्ट कैसे मैनेज करोगे। डाइट वाला पार्ट जो है उसके लिए मैंने एक्सटेंसिव एक वीडियो बना रखा है, जो उसका लिंक मैं अभी ऊपर दे रहा हूँ। मार्ट में मैं कैसे वर्कआउट किया करता था, जैसे कि टाइम आपको ज़्यादा नहीं होगा, मैं जब प्रिपरेशन या फिर जॉब, अभी जो टाइम है, मैं 1 से 1.5 घंटा जिम जाता हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा मतलब इंक्लूडिंग मैं ये बोल रहा हूँ वार्म अप और वर्कआउट के बाद जो स्ट्रेचिंग करते हैं ना, वो मिला के मैं बोल रहा हूँ, तो आपके पास 1 घंटे के आसपास रफली मिलेगा पूरा वर्कआउट खत्म करने को। अभी मैं कौन सा रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, पुश पुल लेग अभी फॉलो कर रहा हूँ। क्या है पुश पुल लेग, अलग वीडियो में देखेंगे। तो उस वर्कआउट में क्या होता है ना, आपको 2 या 3 बॉडी पार्ट एक दिन में ट्रेन करना होता है। पुश पुल लेग, लेग के दिन तो लेग ही रहेगा, लेकिन पुश पुल के दिन अलग अलग 2-3 बॉडी पार्ट रहेंगे आप। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट सेट्स, जैसे कि लोग नॉर्मली जैसे वर्कआउट करते हैं वैसे लगाओगे, कभी खत्म नहीं होगा 1 घंटे के अंदर वर्कआउट। तो दो चीज मैं अभी आपको फोकस करना चाहता हूँ, दो क्या है, एक है सुपर सेट, दूसरा है ड्रॉप सेट। नेम सजेस्ट, ड्रॉप सेट क्या होता है, आप पर्टिकुलर के एक्सरसाइज करोगे। सपोज आप लैट पुल ओवर लगा रहे हो, लैट पुल ओवर रोप पे आप ऐसे स्ट्रेच करके लगा रहे हो, सडन आप एक पर्टिकुलर वेट पे आप 15-20 रिपीटेशन किए, मे बी 10-15 जो भी आप अपने रिपीटेशन किया, उसके बाद आपका बॉडी फटीग हो रहा है, आप उसको रख रहे हो, नहीं रखना आपको, क्योंकि बॉडी फटीग हुआ है उसी वेट पे। रिड्यूस वेट पे अगर आप फिर जाओगे, फिर और आप 2-3 रेप निकाल पाओगे, इमीडिएटली थोड़ा वेट रिड्यूस करो, फिर 2 या 3 रेप जितना भी लग पा रहा है उतने वेट से उसको करो। उसमें क्या होगा, टाइम अंडर टेंशन जो होता है ना, कितना टाइम आपका मसल टेंशन के अंदर रह रहा है वो बढ़ जाता है, ये होता है ड्रॉप सेट का फंडा। सुपर सेट क्या होता है, 2 या 3 एक्सरसाइज आप एक साथ में करोगे, 3 एक्सरसाइज करोगे उसको जॉइंट सेट बोलते हैं, 2 एक्सरसाइज करोगे सुपर सेट बोलते हैं, नाम से कोई मतलब नहीं है। फंडा ये है कि आप 1 या 2 वर्कआउट एक साथ लगा रहे हो, बैक के साथ बाइसेप्स लगा रहे हो, एक बैक का लगा लिया, बाइसेप्स का लगा लिया तब भी ठीक है, दोनों बैक के लगा लिए, दोनों बाइसेप्स के लगा लिए, मतलब एक एक्सरसाइज बाइसेप्स का, सपोज आपने डंबल कर्ल कर रहे हो, उसके बाद इमीडिएटली आप हैमर कर्ल करने लगे, तो वो भी एक सुपर सेट है। या फिर बैक एक वर्कआउट लगा लिया आपने, डेडलिफ्ट कर लिया, डेडलिफ्ट के बाद नॉर्मली सुपर सेट करना डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज रहता है, बट फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, डेडलिफ्ट कर लिया, उसके बाद आपने बाइसेप्स का कर्ल कर लिया, तब भी वो भी सुपर सेट है। उसमें क्या है, आप सेम मसल ग्रुप को एंगेज नहीं कर रहे हो, बैक में जो मसल ग्रुप्स होंगे वो बाइसेप्स में एंगेज नहीं होंगे, तो आपको लग रहा है कि यार ठीक है बैक का रिकवरी होते होते मैं बाइसेप्स लगा लेता हूँ, ताकि क्या होगा कि टाइम से होगा सारी चीज, इसलिए कर रहे हैं मसल पे तो एक्स्ट्रा इंपैक्ट आ ही रहा है, बट मेन जो हम लोग का फोकस है कम टाइम में ज्यादा वर्कआउट करना है, ये उसका फंडा है। सुपर सेट में क्या फायदा होता है, आप 2 वर्कआउट कर रहे हो, एक कर रहे हो बिना रेस्ट का, दूसरे वर्कआउट पे जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, बॉडी का जो हार्ट रेट वो पहले वर्कआउट में ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा, ऊपर होगा हार्ट रेट, तो आप ज्यादा 5-10 सेकंड मैक्सिमम रेस्ट देते हो बीच में, फिर एक दूसरे वर्कआउट पे जाते हो, तो उस वर्कआउट जो परफॉर्म करोगे उस वर्कआउट को, तो आपका हार्ट रेट ऑलरेडी एलिवेटेड होगा, उसमें और एलिवेशन आपको ज्यादा मिलेगा हार्ट रेट का, तो उससे क्या होगा, फैट बर्निंग जल्दी होता है। कार्डियो में एग्जैक्टली जो फेनोमेना होता है यहाँ पे वही फेनोमेना होता है, तो आप मसल बिल्ड तो कर रहे हो उसके साथ कार्डियो, मतलब उससे फैट बर्न भी ज्यादा हो रहा है आपका। कॉन्स में मैं बोलता हूँ, ड्रॉप सेट जो मैंने अपने खुद से एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, ड्रॉप सेट में क्या है, बॉडी थोड़े दिन बाद ना यूज टू हो जाएगा उसको, फिर जो पहले जो जैसा पंप आपको लग रहा था ड्रॉप सेट के बाद भाई अचानक बहुत अच्छा पंप आता है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ दिन बाद बॉडी उसको यूज टू हो जाएगा, तो उसको ना कंटिन्यूअस यूज मत करो। अब सुपर सेट में नेगेटिव एक है, मेजर नेगेटिव है, दो मुझे लगा नेगेटिव, जब भी मैं सुपर सेट करता था मेरे दिमाग में रहता था इसके बाद मुझे और एक सेट परफॉर्म करना है, तो पहला एक्सरसाइज ना मैं थोड़ा ढीला करता था, जैसे कि बैक का वर्कआउट के बाद बाइसेप्स करना है, तो बैक में जो भी वर्कआउट मैं कर रहा हूँ उसको ना थोड़ा एक दो रेप बजा लेता हूँ, मतलब थोड़ा एनर्जी बच जाए बाइसेप्स के लिए, वरना बाइसेप्स अच्छा नहीं होगा। दो टाइप के फेलियर होते हैं आपके वर्कआउट में, एक होता है मस्कुलर फेलियर, जो हम लोग हमेशा अचीव करना चाहते हैं कि मसल्स पे उतना एनर्जी नहीं, आपने इतना रिपीटेशन कर लिया
और एंड तक पहुंच गए कि आप और एक भी रिपीटेशन नहीं कर पाओगे, वो है मस्कुलर फेलियर। उससे पहले होता है ना कार्डियोवास्कुलर फेलियर, होता है मतलब आपके मसल में पावर है लेकिन आपका ब्रीदिंग का इशू है या फिर जो भी है, आप बॉडी को उतना ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हो कि वो परफॉर्म करे और एक्सेट। आप जैसे कि सांस फूलना होता है, थक जाते हो आप, इसे मसल नहीं थका है, मसल और दो रिपीटेशन कर पाएगा लेकिन आप पे उतना एनर्जी नहीं होता है मसल्स को ऊपर उठाने को ताकि और दो रिपीटेशन हो। ऐसा ट्राई करना पहले मस्कुलर फेलियर हिट हो। सुपरसेट में क्या होता है, पहला एक्सरसाइज कर लिया, हार्ट रेट बढ़ गया, सांस फूल रहा है, अब जब सेकेंड एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो आप ना ऑप्टिमम मस्कुलर फेलियर तक जा नहीं पाओगे। हाँ, और एक चीज, ड्रॉप सेट में लोग गलती क्या करते हैं, ड्रॉप सेट में क्या करते हैं, पहला एक्सरसाइज करेंगे, 10 रिपीटेशन डालेंगे, वेट कम करेंगे, फिर और 10 रिपीटेशन, वेट ड्रॉप करने के बाद फिर से 10-12 रिपीटेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप पहला सेट तो आपने सही से नहीं किया। तो मैं ये मानता हूं कि पहले ना आप पूरा फेलियर तक जाओ, उसके बाद ना थोड़ा सा वेट कमाओ, इतना मत कमा दो कि कम करो कि फिर 10 रिपीटेशन कर पाओगे, नहीं थोड़ा सा कम करो, फिर बोलोगे कि यार उसके बाद तो यार तब तो दो ही रिपीटेशन होगा सेकंड सेट में, उससे क्या फायदा दो रिपीटेशन में, ये मैं बहुत बार सोचता था। आपको ट्रू मस्कुलर फेलियर अचीव करना है, 2 बने 3 बने 4 बने जितना जाए ना उतना करो, एक भी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। सांस फूलने वाला चिक्कत है ना, ये उतना नहीं होता ड्रॉप सेट में जितना कि सुपर सेट में होता है। ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कोई रिसर्च पेपर देखा नहीं। ये है ड्रॉप सेट और सुपर सेट का फंडा, कैसे आप 1 घंटे के अंदर वर्कआउट निपटा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सजेस्ट करो, नीचे कमेंट दो कि और क्या क्या देखना चाहते हो, क्या चीज जानना चाहते हो। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद स्टडी एंड जॉब एंड ऑल्सो वर्कआउट, सो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू एंड गुड बाय।